सुना ये सुना पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है ये सत्संग, ये प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम है। हम इस सत्संग का प्रारंभ स्तुति के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति के द्वारा हमारे हृदय और मन प्रभु से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, प्रतिदिन की आवश्यकताएं, प्रतिदिन की चिंताएं हमारे मन और हृदय पर बहुत ज़्यादा ही असर करती हैं, और जिसके कारण अक्सर हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, उदास हैं। ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए हमें हमारे मन, हृदय और आत्मा को जगाने की जरूरत है। प्रभु की स्तुति के द्वारा हम पूरी तरह से अपने आप को जगाते हैं और प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारा संकोच मिट जाता है और पूरी तरह से हमारा मन प्रभु पर एकाग्र हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई और बहन हमारे लिए गीत गाएंगे, उस गीत के साथ हम सभी मिलकर गाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली हम बजाते हुए, स्तुति करते हुए, हृदय की गहराई से भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देंगे। अपने हृदय और मन को इस स्तुति में प्रभु की ओर बढ़ाइए, उठाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। बजा
लगाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो पवित्र आत्मा, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,
अपनी आंखें मंद कीजिए, आप जहां कहीं भी बैठे स्थिर होकर बैठिए। इस सभा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, इसे देखने मत बैठिए बल्कि इसमें भाग लेने के लिए बैठिए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। स्वयं प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा और अपने सानिध्य के द्वारा आपके पास आ रहा है। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए, आंखें मंद कीजिए, हृदय को खोलिए, जीवन के द्वार को खोलिए, प्रभु का स्वागत कीजिए। बोलिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार में, आइए मेरी परिस्थितियों में, आइए। मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित है, तेरा नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। मैं विश्वास करता हूं कि तू सदा मेरे साथ रहता है। मैं विश्वास करता हूं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्यार करता है। विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों का नजरअंदाज करता है, क्षमा करता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया, मुझ जैसे टूटे फूटे इंसान के लिए आया। यीशु, मैं विश्वास करता हूं। इन पवित्र क्षणों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अपने आप को तेरे समक्ष ले आके आता हूं, तेरे दरबार में लेके आता हूं यीशु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तेरे दरबार में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। मैं समय स्वीकार करता हूं कि मैं अयोग्य हूं, तुच्छ हूं, कमजोर हूं, दुर्बल हूं। ये भी घोषित करता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है, तू परम प्रतापी है। मैं घोषित करता हूं, यीशु घोषित करता हूं, मैं घोषित करता हूं कि तू मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठा है। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरी परिस्थितियों में, आइए मेरे परिवार में, आइए यीशु, आइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, संयम का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य उंडेल सकता है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, बोलिए आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, आइए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, उन पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हमारे भाई बहनों के साथ, बहन के साथ मिलकर इस समय हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें मंद रखिए, गीत को अपनाइए, गीत के साथ साथ गाकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से तो आग बरसा दे, फिर से तो प्यार आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से तेरे सामर्थ्य से, तेरे
बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमारे जीवन में इन कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी कृपाएं बरसाई हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीषें बरसाते हैं। मेरी यह धारणा है कि प्रभु परिशुद्ध प्रेम है और उनके हृदय से हमारे लिए सदा प्रेम बहता है। जब जब हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं, उस समय वह प्रेम हमारी ओर बहता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने अपने नाम नहीं बताया है, अपनी बहन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। उन सबका विश्वास बहुत कमजोर था, प्रार्थना में भाग लेने से पूरे परिवार का विश्वास बढ़ गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवक युवतियां प्रभु की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। पढ़े लिखे युवक युवतियां प्रभु के वचनों को सुनने के लिए वे आतुर हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन जिए। वे लगातार प्रभु के वचनों को सुनती हैं, प्रार्थना करती हैं, प्रभु की कृपाएँ प्राप्त करती हैं। बहुत आत्मापूर्ण लोग हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इन दिनों बहुत सारे युवक युवतियों को अपने करीब बुला रहे हैं। God bless you, my children. प्रभु आप सबको आशीष दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें वह सशक्त, सुंदर और सबसे आदर्श प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उस प्रार्थना में प्रभु ने हमें बताया है कि पिता से प्रार्थना करें कि ये प्रेमी पिता परमेश्वर हमें परीक्षा में गिरने ना दें, परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दें। परीक्षा प्रलोभन हम सबका प्रतिदिन का अनुभव है।
परीक्षा प्रलोभन हम सब का प्रतिदिन का अनुभव है। एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसकी वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़ा खुलासा है, हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं है, भाई बहन नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वे नहीं है जो हमें दुख देते रहते हैं, बल्कि पौलुस कहते हैं हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को जानना जरूरी है। संसार में जीने के लिए सांसारिक बातों को जानना ही काफी नहीं, आध्यात्मिक बातों को भी जानना जरूरी है। पौलुस कहते हैं कि हमें हमेशा अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। ये जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है। पौलुस ने कितनी सच बात कही है कि हमें हर समय विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, वासना की आत्मा से लड़ना पड़ता है, लालच की आत्मा से लड़ना पड़ता है, ईर्ष्या जलन की आत्मा से लड़ना पड़ता है, स्वार्थ की आत्मा से लड़ना पड़ता है, क्रोध की आत्मा से लड़ना पड़ता है, आलस्य की आत्मा से लड़ना पड़ता है, उदासी की आत्मा से लड़ना पड़ता है, निराशा की आत्मा से, शोक की आत्मा से निरंतर हमें लड़ना पड़ता है। ये आप और मेरा अनुभव है, प्रतिपल का अनुभव, प्रतिदिन का अनुभव। पेत्रुस इसी बात को दूसरे ढंग से रखते हैं। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेत्रुस कहते हैं, आप संयम रखें, जागते रहें। आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पेत्रुस भी हमारे सामने आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में खुलासा कर रहे हैं। पेत्रुस कहते हैं आप संयम रखें और जागते रहें। क्यों? क्योंकि आपका शत्रु शैतान, शैतान शब्द का अर्थ ही शत्रु है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हम सभी जानते हैं कि शैतान ने कितनी जिंदगियों को फाड़ कर बर्बाद कर डाला है, कितने परिवारों को फाड़कर बर्बाद कर डाला है, कितने रिश्ते तोड़कर बर्बाद कर डाला है। मैं बहुत सारे ऐसे भाइयों को जानता हूं जिनको मैं युवावस्था में जानता था, अच्छे खासे लोग, चरित्रवान लोग, अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग, लेकिन आज शैतान के चंगुल में आने के बाद इस कदर वे गुलाम बनाए गए हैं कि वे चाहते हुए भी बुराई से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे वो नशा हो, वासना हो, गलत रिश्ता हो, निकल नहीं पाते, निकल नहीं पाते हैं। तो पेत्रुस कहते हैं कि शैतान हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है। कोरिंथियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में पौलुस एक और बात समझाते हैं। पौलुस कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। शैतान मनुष्य को गिराने के लिए सबसे आकर्षक स्वांग रचता है, शैतान मनुष्य को गिराने के लिए आकर्षक स्वांग रचता है। कभी भी शैतान अपने स्वभाव और स्वरूप में नहीं आता है, आकर्षक स्वरूप में आता है, हमको भ्रमित करने वाले स्वरूप में आता है, हमें भ्रमित करने वाले स्वरूप में आता है। तो शैतान कभी कभी अच्छे लोगों के जरिए हमारे जीवन में काम कर सकता है, अच्छे परिवेश में हमारे साथ काम कर सकता है, हमारे विरुद्ध काम कर सकता है। तो शैतान कभी कभी स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में कहते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम प्रलोभनों के शिकार हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। मैं इतना ही लेता हूं,
प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द आप समझते हैं, यानी बिना इसके हम रह नहीं सकते। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है। मानो क्यों प्रलोभन अनिवार्य है? सबसे पहले ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर स्वतंत्र है, आजाद है। ईश्वर ने हमें आजाद बनाया है। प्रलोभन उस आजादी का हिस्सा है। आजादी का मतलब चुनने का अधिकार। ईश्वर ने हमें भले और बुरे को चुनने का अधिकार दिया है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 और 19 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम चुनो। बाइबल में बार बार हमें इस तरह चुनने का अवसर मिलता है, अवसर देते हुए हम देखते हैं। ईश्वर ने आदम और हेवा को चुनने का अवसर दिया, इसी तरह बाइबल में बार बार हम पढ़ेंगे। तो ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया, इसीलिए प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन वास्तव में क्या है? चुनाव है, चुनना है। प्रलोभन अनिवार्य, प्रभु येसु कहते हैं क्यों? ताकि हम प्रलोभन का सामना करते हुए प्रलोभनों में शैतान को हरा कर पवित्र बन जाते हैं। यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें पवित्र बनने के लिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रलोभन एक माध्यम भी है, एक बाधा है, उसको तोड़कर हम आगे जा सकते हैं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम बाइबल में बड़े बड़े लोगों का उदाहरण पाते हैं, आगे मनन करेंगे। उनके जीवन में प्रलोभन आया। कलीसिया के इतिहास में बड़े बड़े संतों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन में प्रलोभन आया। बहुत बड़े संत, संत फ्रांसिस असीसी, कितना प्रलोभन उनको हुआ था। तो प्रलोभन हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे जीवन में बना रहता है। मैं आज आपके सामने बाइबल के दो खास प्रलोभनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हेवा और आदम के लिए, आदि मानव के लिए प्रलोभन। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को, आदम और हेवा को, एक सुंदर बगान में रखा, आदन बगान में, और कहा कि तुम इसके अधिकारी हो। नाम दो किसी को भी, कोई भी नाम दो, ये तुम इसका तुम अधिकारी हो। और ईश्वर ने उनके सामने भी एक चुनाव देखा, चुनने का मौका दिया। ईश्वर ने कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम मर जाओगे। ईश्वर वहां से अड़ जाता है और वहां पर सांप आ जाता है, सर्प आ जाता है, शैतान आता है, और हेवा से पूछता है क्या ईश्वर ने कुछ कहा इसके इसके बारे में। हेवा बताती है कि ईश्वर ने कहा यदि तुम उसको खाओगी मर जाओगी। और शैतान एक विपरीत बात बताता है, सच्चाई यह है इसको खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी, ईश्वर के सदृश हो जाओगी। शैतान ने हेवा से कहा यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी। शैतान ने हेवा से जो कहा बहुत ही आकर्षक बात थी, तर्कपूर्ण बात। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ओपन माई आईज ओ लॉर्ड, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु। सुंदर गीत है, हम लोग बराबर गाते भी हैं, बोलते भी हैं, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए, मेरे नैनों को खोलिए। हिंदी में हम लोग गीत गाते हैं, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तो शैतान ने जो कहा हेवा को बिल्कुल तर्कपूर्ण बात थी, हेवा को बहुत अच्छी लगी क्योंकि शैतान ने कोई गलत बात नहीं कहा। शैतान ने कहा कि अगर तुम इसको खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगी, कितनी अच्छी बात है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रलोभन अक्सर तर्कपूर्ण होता है, लॉजिकल होता है। शैतान हमारे सामने कोई उठपटांग बात नहीं लाता है, तर्कपूर्ण बात लाता है। आंखें खुलना अच्छी बात है, ईश्वर के सदृश होना अच्छी बात है, हमें ईश्वर के सदृश होना चाहिए, बनना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए, अच्छी बात है। तो प्रलोभन अक्सर इस तरह तर्कपूर्ण रहता है। यही कारण है कि आधुनिक इंसान आसानी से गिर जाता है। आधुनिक इंसान को तर्क चाहिए। एक छोटा उदाहरण लीजिए,
एक छोटा सा बच्चा है उसको बताया जाए ऐसा नहीं करना, तो बच्चा क्या जवाब देगा? बच्चा पूछेगा क्यों? हर जगह आधुनिक इंसान क्यों रखता है, क्या कारण है? हमारे बाप दादा ये नहीं सोचते थे, वे तर्कपूर्ण नहीं थे, वे कहते थे अच्छा नहीं है, ये प्रभु की दृष्टि में बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस क्यों के लिए दूसरा कोई जवाब नहीं है। तो आधुनिक इंसान तर्क के अनुसार जाता है, इसलिए आसानी से शैतान के पंजे में आ जाता है, वो शैतान के उस तंत्र में आ जाता है, उस फंदे में आ जाता है, क्योंकि तर्क के अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि शैतान जो भी प्रलोभन लाता है वो तर्कपूर्ण बात को लेकर आता है। मैं यहां पर उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, बहुत सारे उदाहरण आप अपने जीवन से देख सकते हैं, आपको लगा कि अच्छा है, ऐसी बात शैतान आपके सामने लाएगा ताकि आप आराम से गिर जाए। दूसरी बात, शैतान ने हेवा के विश्वास पर प्रहार किया, उसकी बुद्धि पर प्रहार किया, उसके दिमाग पर प्रहार किया, क्योंकि शैतान जानता था ये जो सोचेगी वही करेगी, इसीलिए शैतान ने उसकी बुद्धि पर प्रहार किया, उसके विश्वास पर प्रहार किया। तीसरी बात, शैतान ने उसके मन में संदेह डाला, शैतान यही करता है, संदेह डाला, ईश्वर पर संदेह, ईश्वर के प्रेम पर संदेह, क्या ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, वास्तव में प्रेम करता, अगर प्रेम करता तो ये बात क्यों बोलता, ईश्वर के प्रेम पर संदेह, ईश्वर की आज्ञा पर संदेह, आदेश पर, क्या ये आज्ञा सही है गलत है, ईश्वर के वचन पर संदेह, प्रभु ने जो कहा क्या वो उस वचन भरोसामंद है। तो शैतान ने उसके मन में एक संदेह डाला, याद है आपको मत्ती अध्याय 14 में पेत्रुस ने संदेह किया और वो डूबा। तो हेवा और आदम ने संदेह किया ईश्वर पर, ईश्वर की वाणी पर, ईश्वर के आदेश पर, शैतान ही आज भी करता है। हमारे मन में शैतान संदेह डालता है, सही ना, संदेह डालता है ईश्वर पर, ईश्वर की बातों पर, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के आदेश पर संदेह डालता है। तीसरी बात, शैतान ने आदम और हेवा के मन में लालच का बीज डाला, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ईश्वर के सदृश हो जाओगी, लालच का बीज बोया और लालच बढ़कर उनके लिए विनाश का कारण बना। आगे, शैतान ने उनके मन को भ्रमित कर दिया, आदम और हेवा भ्रमित हो गए, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में शैतान आधुनिक इंसान के साथ भी यही करता है, आप और मेरे साथ भी यही करता है, हमें भ्रमित कर देता है, इसीलिए हमें प्रलोभन में समझने की आवश्यकता है, हम तर्क के साथ नहीं जा सकते, शैतान हमें भ्रमित करता है। अब देखिए, हेवा ने शैतान के वश में आने के बाद, फिर प्रलोभन में पड़ने के बाद, फिर उस फल को देखा और वचन में लिखा हुआ है उसको बहुत सुंदर दिखाई देने लगा, स्वादिष्ट दिखाई देने लगा, उसने सोचा इसको खाऊंगा तो कितना स्वादिष्ट होगा, इसको खाऊंगा तो मेरी बुद्धि कितनी खुलेगी, मेरे अंदर कितना ज्ञान आएगा। वही फल जो आज तक अभी तक उसके लिए डर का कारण था, उसकी ओर देखने तक को सोचती नहीं थी, अब प्रलोभन में गिरने के बाद वह सुंदर दिखने लगता है, स्वादिष्ट दिखने लगता है। प्रलोभन में गिरने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है, मनुष्य अंधा हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सोचता है कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी जानते हैं, लेकिन वो स्वयं अंधा बन जाता है। और हम जानते हैं कि आदम और हेवा शैतान के वश में पड़ जाते हैं और वे पाप के शिकार बनते हैं। दूसरा प्रलोभन है प्रभु येसु का प्रलोभन, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहली बात यह है, प्रभु येसु कितनी बार प्रभु येसु को प्रलोभन हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 3 बार, बिल्कुल नहीं, सुसमाचार में बताता है कि वो 40 दिन उनको प्रलोभनों से गुजरना पड़ा, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन उसके सामने रखे जा रहे थे, लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद
जब वो आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, उस समय शैतान प्रभु के सामने तीन खास प्रलोभन लाता है। सबसे पहली बात जो हमें जानना और मनन करने की आवश्यकता हुई है कि प्रभु येसु के सामने शैतान ने यह खास प्रलोभन उस समय लाया जब येसु आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो गए थे, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा में थे, ऊंचाई पर थे। शैतान यही करता है। जब हम लोग आध्यात्मिक रूप से अच्छे होंगे, परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, उसी समय शैतान मारेगा। जब हम लोग ऊंचाई पे हैं, उस समय शैतान मारेगा, ताकि हम गिरेंगे तो हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। यही शैतान करता है। तो पहली बात यह है कि जब प्रभु येसु अपने आध्यात्मिक अनुभव की चोटी पर थे, उस समय शैतान ये तीन बड़े प्रलोभन उनके सामने लाता है। तीन प्रलोभन क्या क्या है? सबसे पहले प्रभु येसु को 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद इतनी भूख लगी होगी, आप सोच सकते हैं। वो चल नहीं पाते रहे होंगे, वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत कमजोर हो गए। ऐसे में शैतान आता है और कहता है, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, ये काम कर, इन पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित कर और उसे खा ले। प्रलोभन क्या है? सबसे पहली बात, शैतान कह रहा है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तुम ईश्वर के पुत्र हो। 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ताकत आई है, और उस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर रोटी बनाओ और खा जाओ। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु येसु ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, लेकिन एक भी चमत्कार या चिन्ह प्रभु ने अपने लिए प्रकट नहीं किया। यानी शैतान की प्रेरणा यह थी, शैतान उकसा रहा था कि ईश्वर के द्वारा दिया गया यह सामर्थ्य, ईश्वर से प्राप्त यह अधिकार, यह शक्ति अपने लिए इस्तेमाल करो। प्रभु ने इनकार किया। आज हमें देखने को मिलता है समाज से प्राप्त ताकत, शक्ति, अधिकार, पद को कैसे दुरुपयोग किया जाता है। हर स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, हर स्तर पर उनको प्राप्त अधिकार और पद का और शक्ति का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। यहां तक कि दूसरों को कष्ट देने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में प्रभु येसु का यह प्रलोभन हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। प्रभु ने इनकार किया। दूसरा है कि शैतान ने कहा कि इनको, इन पत्थरों को रोटी बना दो और खा जाओ, तो प्रभु येसु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। यानी प्रलोभन क्या था? सिर्फ रोटी से जीने के लिए प्रलोभन। आधुनिक इंसान का ये, मैं सोचता हूं, सबसे बड़ा प्रलोभन है। भोजन पर ही जोर है, शरीर पर ही जोर है, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक पुष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन अन्य बातों का ख्याल नहीं किया जाता है। शरीर को बनाना, शरीर को, शरीर को, शरीर को, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड लाइफ, शरीर केंद्रित जीवन। प्रभु येसु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। अगला प्रलोभन क्या था? प्रभु येसु को यरूशलेम मंदिर की चोटी तक ले जाता है शैतान और कहता है कि कूदो, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो कूदो, तुम गिरोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। कूदो, सभी लोग देखेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खड़े हो जाओगे एक जादूगर की तरह, संसार के सामने तुम मसीहा बन के दिखाओगे। प्रभु ने कहा, ना, अपने प्रभु की परीक्षा नहीं लेना। कई लोग अपने जीवन में प्रभु की परीक्षा लेते हैं, जो करना नहीं चाहिए करते हैं, जो प्रभु नहीं चाहते वो भी करते हैं। ऐसे रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, प्रभु संभालेंगे। नहीं, जो प्रभु नहीं चाहते हैं रिस्क लेते हैं और प्रभु को परीक्षा में डालने का प्रयास करते हैं। प्रभु ने कहा, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तीसरा प्रलोभन, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रभु येसु को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है
और सारे संसार को दिखाता है कि ये सब मेरा है, मैं तुमको दे दूंगा सांसारिक वैभव, क्या करना होगा तुम्हें, तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी। बहुत जबरदस्त उदाहरण है आधुनिक इंसान का, मैं सोचता हूं ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक उपलब्धि के लिए, चीजों के लिए, पोजेशन के लिए, धन के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए शैतान कहता है मेरी आराधना करो, थोड़ा सा समझौता कर लो। झूठ बोलने से क्या जाता है, थोड़ा सा झूठ बोलना अच्छा है, तुम्हें फायदा हो तो हिसाब किताब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, अगर तुमको फायदा है तो अच्छी बात है। शैतान यही कहता है मेरी आराधना करो। प्रभु ने कहा, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना मत करो। सवाल यह खड़ा होता है कि प्रभु येसु ने शैतान का या प्रलोभनकर्ता का कैसे सामना किया। प्रभु येसु ने शैतान के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं की, प्रभु येसु ने कहा हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। हम मनुष्यों को प्रभु येसु से सीखने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, हमारे सामने प्रलोभन के रूप में आता है, हमें कहना है हट जाओ शैतान, दैट्स ऑल। प्रारंभ में ही बोलना है, बातचीत नहीं करना, मोल भाव नहीं करना, बाद में आप शैतान से बच नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि शैतान मुझे अपने वश में करने के लिए आ रहा है, इस पैसे के द्वारा, इस पद के द्वारा, इस नर के द्वारा, इस नारी के द्वारा, तो हमें शैतान से कहना हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। यह हमें प्रभु येसु सीखना है। प्रभु येसु शैतान से ऐसे कैसे कह पाए, क्योंकि उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु के अंदर शैतान को हट जाओ शैतान कहने के लिए सामर्थ्य आया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु येसु के शिष्यों के पास एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को ले आया, और उसका पुत्र अवधूत ग्रस्त था और आग में जल में गिर जाता था। शिष्यों ने उसको अवधूत को हटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन हटा नहीं पाया। अंत में वह येसु के पास लेके आता है और येसु ने अवधूत को हटाया। उसके बाद शिष्यों के साथ प्रभु येसु घर पे थे। शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं हटा पाए। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा ये जाति सिवाय उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाई जा सकती है। बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं हटाई जा सकती है। प्रभु येसु ने शैतान को हटाया, मना किया, हटाया, क्योंकि उनके अंदर उपवास और प्रार्थना के द्वारा शक्ति थी, उपवास और प्रार्थना के द्वारा शक्ति थी। इसीलिए प्रभु येसु कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। देखिए एक बात को जानना जरूरी है, इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर शैतान का प्रभाव नहीं होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शैतान के प्रभाव में नहीं आ सकता है। वचन में आप पढ़ेंगे बड़े बड़े लोग शैतान के वश में आ गए। इसराइल का राजा साउल, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया था, सामुएल के द्वारा अभिषिक्त किया था, उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु के हृदय के अनुसार चुना गया अभिषिक्त राजा दाऊद, जो 40 साल तक इसराइल पर शासन किया, वह गिर गया। एक नारी को नहाते हुए देखकर वो गिर गया। सुलेमान, जिसके बारे में बाइबल में कहा गया कि प्रज्ञापूर्ण राजा, संसार के सबसे प्रज्ञापूर्ण राजा, वो भी गिर गया। सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15-16 इत्यादि में। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ्य था, वो भी गिर गया। अगर इतने बड़े बड़े प्रभु के चुने हुए लोग गिर गए तो आप और मेरी क्या दशा होगी। इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में ना डाल। इसीलिए प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन हर मनुष्य का अनुभव है, लेकिन प्रलोभन में ना गिरने के लिए
हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही शैतान को हराने का एकमात्र शस्त्र है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे परीक्षा में गिरने ना दे, मुझे परीक्षा में गिरने ना दे। हमें पारिवारिक रूप से भी प्रार्थना करने की जरूरत है। पति काफी दूर काम के लिए गया हुआ है, पत्नी की जिम्मेदारी है बच्चों के साथ, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु जमाना खराब है, माहौल खराब है, मेरे पति को, हमारे पिता को हर तरह की बुराई से बचाए रखना, प्रलोभन में गिरने नहीं देना। बेटा या बेटी दूर पढ़ने के लिए गए हैं, माहौल बहुत खराब है, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, बहुत खराब है, हर प्रकार की बुराई का तूफान चल रहा है, ऐसे में खड़ा रहना, सुरक्षित रहना बहुत कठिन है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को प्रलोभन में गिरने नहीं देना। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं प्रार्थना करो, हे पिता हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें अगर आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर पुरोहित या धर्म बहन है, आपको पारिवारिक लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सबके सामने यही समस्या है, प्रलोभन, परीक्षा। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता हमें परीक्षा में ना गिरने दें बल्कि बुराई से बचा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरी महान प्रार्थना के लिए। उस आदर्श प्रार्थना में तूने हमें बताया है कि हम लोगों को प्रार्थना करनी है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। तू स्वयं परीक्षा में गिरने से बचा क्योंकि तू प्रार्थना में ताकत पाया था। प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना में जीवन जीने की कृपा दीजिए। प्रार्थना में जीवन जीने के बावजूद भी हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, उन क्षणों में हमें बचा के रखना यीशु। तेरे दूतों को भेजकर हमारी हर परिस्थिति में हमें बचा के रखना यीशु, बचा के रखना यीशु, बचा के रखना। तू ही हमारा एकमात्र संरक्षण है, रक्षक है, तेरा पवित्र रक्त हमें संरक्षण देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, 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 वो जीवन देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही देने वाला हल्लेलुया।
देने वाला हालेलुया। सब मिलकर घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, सब मिलकर गाएंगे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। सब लोग आएंगे, चंगा करने वाला हालेलुया, वो 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 चंगा करने घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, सब लोग आए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, विश्वास के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। सब गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करते हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आराधना में हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 को याद कीजिए। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ इस समय जुड़ जाइए, प्रभु की आशीषें आपकी ओर बहने दीजिए, प्रभु की कृपा आपकी ओर इस समय बहने दीजिए, उस करुणामय प्रभु का सानिध्य महसूस करना। जिस तरह एक बच्चा अपने मां के पास आ जाता है, अपने पिता के पास आता है, उसी तरह उतनी आजादी के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। अपने आप को छोटे बालक की तरह बनाइए और प्रभु के सामने अपने आप को तुच्छ समझिए। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, सर्वशक्तिमान के सामने अपने आप को छोटा बनाइए, नम्र बनाइए। अपने आप को प्रभु के सामने हम नम्र बनाए, छोटा बनाए। हम मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं,
इस सत्य को जानते हुए इस समय प्रभु के सामने नम्र बनकर आएंगे। प्रभु से कहिए कि मैं स्वीकार करता हूं कि प्रभु मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मैं हूं जो सो तेरे कारण है, तू ही मेरा कारण है प्रभु, तू ही मेरा निमित्त है, तू ही मेरे जीवन का स्रोत है। तूने स्वयं कहा डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं समय अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं और इस समय घोषित करता हूं कि तू ही मेरे जीवन का स्रोत है। बिना तेरे मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं। तूने स्वयं कहा कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है प्रभु, मैं इस समय अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, घोषित करता हूं। मैंने अपने जीवन में तेरे तुझसे अलग रहकर जो भी करने का प्रयास किया वो व्यर्थ निकला। इस समय मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं यीशु, मेरे परिवार की परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं, मेरे घर की परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं यीशु, मेरे व्यक्तिगत परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं। हम थक गए प्रभु, बोझ से दब गए हैं, अलग अलग प्रकार का बोझ हमारे सिर पर है। हम विश्वास के साथ तेरी आवाज सुनकर तेरे पास आए हैं प्रभु यीशु। तूने आवाज दी थी ताकि मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरी आवाज को सुनकर हम तेरे सामने आए हैं यीशु, विश्वास करते हैं कि तू हमारी दर्द और पीड़ा को अपने ऊपर उठाएगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। मैं अपने परिवार के दुख पीड़ाओं को तेरे कंधे पर रख देता हूँ यीशु, हमें स्वतंत्र करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के साथ तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ। आंखें बंद करना मेरे भाई मेरी बहन, आंखें बंद करके समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। अन्ना की तरह, सामुएल की माँ हन्ना की तरह, जिसने कहा कि मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को उंडेल रही थी, अपने हृदय को खोल रही थी, विश्वास और भरोसे के साथ अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलिए। दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने समर्पित करना, विश्वास के साथ भरोसे के साथ समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से एक हो, तुम प्रभु से एक हो, तू ही मेरी शरण है, 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 मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेले के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर, अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, शरण स्थान मिलता है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को, तुमने सर्वोच्च ईश्वर अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे,
वो तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। हालेलुया 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 आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। एक एक वचन महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हम जानते हैं कि हमें चारों ओर से शैतान दुष्ट आत्माएं अपने वश में करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में प्रभु हमें बताते हैं कि जाग कर प्रार्थना करना, अपने को जगाए रखना यानी सतर्क रखना। जागने का मतलब हर रात को जागना नहीं है, अपने को जगाए रखना, सतर्क रखना कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। अपने को जगाए रखना और प्रार्थना करते रहना। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु की तरह सामर्थ्य मिलता है, शैतान का सामना करने के लिए शक्ति मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा का आवरण मिलता है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है और शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, शैतान हमें हरा नहीं पाएगा जिस तरह प्रभु यीशु को शैतान हरा नहीं पाया। आगे प्रभु यीशु एक रहस्य बताते हैं। वो रहस्य क्या है? आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी प्रभु हमें बता देते हैं कि तुम्हारा शरीर दुर्बल है, सच्चाई को जानो। तुम कितने भी बलवान क्यों ना हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत क्यों ना हो, इस सत्य को जानो कि तुम्हारा शरीर दुर्बल है, इसका कोई भरोसा नहीं। कभी ये तुझे धोखा दे तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए इस शरीर को शैतान के विरुद्ध खड़ा करने के लिए, शैतान के उस चंगुल से बचाए रखने के लिए शरीर में पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। लूकास अध्याय 24 वाक्य 49 में पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तब तक तुम शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हमारे जीवन में हम कई बार गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त नहीं थी, हमारी इच्छा शक्ति काफी नहीं है, हमारा शारीरिक सामर्थ्य काफी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। पेत्रुस के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं थी इसीलिए वो हार गया, यीशु को छोड़कर भाग गया, 3 बार यीशु का अस्वीकार किया, इनकार किया। लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वही पेत्रुस सामर्थ्यवान बन जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है, शैतान का सामना करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। तो प्रार्थना के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक शैतान से लड़ने के लिए हमारे लिए एक शक्तिशाली गढ़ बन जाता है, किला जैसे बन जाता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए ताकि मेरे जीवन में सामर्थ्य रहे, शक्ति रहे, शैतान के हर फंदे से बचने के लिए, हर प्रलोभन से बचने के लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया है, तूने हमें सिखाया है, इस तरह प्रार्थना करो, इस तरह प्रार्थना करो। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, 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 परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। हम आज इस समय प्रभु, हम इस समय प्रभु इसी प्रार्थना को दोहराते हैं, इसी प्रार्थना को दोहराते हैं। हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भरपूर कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ढक दीजिए, शैतान के हर प्रलोभन का सामना करने के लिए, शैतान के हर फंदे से बचने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य
शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय विशेष रूप से रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे और रविवार को विशेष करके चंगाई के लिए प्रार्थना होती है। चंगाई देने वाला यीशु है, हम लोग मात्र प्रार्थना करेंगे लेकिन चंगाई देते हैं प्रभु यीशु एक सत्य है। आज ही आपने साक्षी सुना है कि कैसे प्रभु हमें चंगाई देते हैं। आपके बीच में भी कई साक्षी होंगे कि सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान कैसे प्रभु हमें चंगाई देते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आपके शारीरिक रोग और मानसिक रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। आपका रोग कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, यीशु के हाथ में दे दीजिए। आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आज इसी वक्त प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु आइए इस समय, आइए यीशु आइए, इस सभा में उतर आइए, इस सभा में उतर आइए। पवित्र आत्मा को भेजकर इस समय अपने सामर्थ्य को ढेल दीजिए, हर प्रकार के रोग से हमें छुटकारा देने के लिए, पुराने से पुराने रोग से छुटकारा देने के लिए, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोविड के रोग से, मिर्गी के रोग से, हृदय के रोग से, अन्य प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा देने के लिए आइए यीशु। आज इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को तेरी चंगाई का एहसास हो यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, मुख खोल कर हम प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। जो लोग रोगी हैं, अपने रोग को प्रभु के हाथ में देना और मुंह खोल कर स्तुति करते जाना, अपने रोग को समर्पित करते हुए। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से ये जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग, इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष पाइए। मे गॉड ब्लेस यू। आप जब इस समय आराधना के इस आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे आशीष के लिए, प्रभु इन सारी चीजों को आशीष दें। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को, इस तेल को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा अपना सामर्थ्य उड़ेल दीजिए, अपना सामर्थ्य उड़ेल दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। दिन गाता रहूंगा, कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा, कोई
वरदानों से तूने भर दिया, जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे